तो खाना खा लिए, अब खाना है दवाई। देखिए ये तो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग्स पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, अभी शाम का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, और काम करने जाते हैं। सुबह 7 बजे चल जाते हैं और उधर से आते हैं 9 बजे। 9 बजे खाना खा करके फिर जाते हैं, तो आते हैं 12 बजे, तो काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। फिर 12 बजे आने के बाद में थोड़ा सा आराम करने लगते हैं, तो आराम करते हैं तो फिर 2 बज जाता है, टाइम हो जाता है 2 बज जाता है, तो फिर उसके बाद में खाना खा करके फिर काम में चल जाते हैं, तो फिर आते हैं अभी 6 बजे शाम को। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ब्लॉग भी बनाने के लिए, एकदम थोड़ा ठीक नहीं लगने लगता है, एकदम पूरा आराम एकदम करने का मन करता है, लेकिन क्या करें, काम तो काम है, करना ही पड़ेगा। और पैसा जो लिए हैं तो पैसा ऐसा लगता है कि चुका दें, लेकिन चुकाने के लिए भी पैसा नहीं हम लोग के पास, और जवान किए हैं तो हम लोग को निभाना है। और कैसे कोई वादा कर देता है कोई चीज का, तो निभाना होता है। उस टाइप से हम लोग का भी काम ये हो गया है, तो हम लोग को ये खत्म करना है। जितना हम लोग पैसा लिए हैं उतना हम लोग का जब तक कट ना जाए, या उससे कट जाए तो माफ उतना तक हो जाएगा, और उससे आगे जो कमाएंगे वो पैसा हम लोग का अपना होगा। लेकिन देखते हैं कई महीना कितना दिन तक रहने पाते हैं, क्योंकि शरीर जो है काफी ज्यादा इतना दर्द हो गया है ना, पूरी तरह से दर्द देता है। और चारुक पापा का भी, चारुक पापा आज काम में नहीं गए थे, दोपहर में ये नहीं गए थे। काफी ज्यादा मुश्किल है, बैठ के उठिए, बैठ के उठना मुश्किल, बैठ जाने के बाद भी होता है काफी ज्यादा, इतना मुश्किल है ना, घुटनों में काफी ज्यादा दर्द है, और पीठ तरफ भी काफी ज्यादा, जो ईटा जो ऐसे हाथ का जो फिंगरप्रिंट है ना सब खत्म हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा एकदम लग चुका है, ये पकड़ पकड़ के इस तरह से पूरी तरह से एकदम आकर जब यहाँ पर फेंक जाता है ना, तो उस टाइम लगता है कि पूरी माथा से ईटा जो फेंक दे और चुपचाप घर चल जाए, ऐसा लगने लगता है। गुस्सा काफी ज्यादा आता है, लेकिन कोई नहीं, करेंगे किसी तरह से। तो चलिए, अभी तो आए हैं और अभी फिलहाल चारुक पापा अधन बैठा दिए हैं, तो अधन हम लोग का हो गया है। और यहाँ पर गोभी काट करके रख दिए है, तो अभी गोभी का भुजिया बनेगा ना, आलू नहीं डालेंगे, आलू नहीं डालेगा। और चावल जो है हम लोग का यहाँ पर है चावल, और कपड़े सबको अभी खोल खोल कर रख दिए हैं, गंदा हो जाता है काफी ज्यादा राबी से। तो यहाँ पर है हम लोग का चावल, कल जो खरीद कर लाए हुए वाला है, तो यही चावल को अभी डालेंगे। तो चलते हैं कढ़ाई में धोएंगे, कितना चावल डालेंगे अब, वैसे तो अभी शाम का टाइम है, लेकिन गिलास भी नहीं नापने के लिए, छोटा वाला गिलास है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उससे। तो चलिए चावल पहले नाप लेते हैं, और अधन हो चुका है तो अधन भी चढ़ा, मतलब कि चावल भी डालना है, तो चावल को धो बना लेते हैं, और उसके बाद में फिर चावल डाल करके फिर आप सभी को आगे की बात बताएंगे। वो बहुत ही खास बात है, आप सभी को हम बताना चाहेंगे और बताएंगे भी कि वो क्या बात है, और बहुत ही ज्यादा हम खुश भी हैं। तो चलिए बताएंगे। तो फटकने के लिए हम लोग सूप ही नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा, वैसे तो चावल पूरी तरह से फ्रेश है, लेकिन थोड़ा सा कोई कोई धान वगैरह रहता है, तो इस तरह से देखकर चुन लेते हैं। तो चलते हैं चपाकल, चपाकल से ही बीच करके, मतलब कि धो करके लाएंगे। ये प्लास्टिक वाला देखिए ना, काफी ज्यादा पतला है, रस्सी प्लास्टिक वाला। तो अब बनाते हैं सब्जी, भात बन गया है, मिर्चाई डाल देंगे, लहसुन नहीं डाल रहे हैं, और डाल दे रहे हैं पचफोरन, घर से ही लेकर के आए थे, यहाँ खरीदे भी नहीं है, क्योंकि मम्मी उतना खाती नहीं है, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना लेकर के चल, सारा डब्बा जो है हम लोग ले आए हैं। अब डाल देते हैं आलू, और Thank you.
ढक देते हैं, थोड़ा सा इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर हम पसा लिए थे माड़, वही माड़ है, और थोड़ा सा हम यहाँ पर सुबह वाला सब्जी और थोड़ा सा भात था उसी में डाल दिए माड़ को, और इसको पिएंगे। बैठ करके काफी अच्छा लगता है पीने के लिए। अरवा चावल वाला है, मस्त लगता है। सुबह में सब्जी बनाए थे आलू गोभी का, तो चारों के लिए बचा कर रख दिए थे, तो खाई और थोड़ा सा रह गया, इसी में हम भात और सब्जी बचा था थोड़ा थोड़ा, तो उसी में ले लिए माड़ को। गोभी का भुजिया जो है भुंजा रहा है, तब तक हम इसको चटनी पीस करके ले आते हैं। ये मूंगफली का चटनी बनाएंगे, इसको हम लोग घर से ही ले करके आए थे, तो इसको दाना निकाल करके, ये देखिए यहाँ पर दाना निकाल करके और अच्छे से इसको हम भून दिए हैं। तो अब चलते हैं, लहसुन मिर्चाई दे दिए हैं, थोड़ा सा नमक को डाल देंगे। इस तरह से सिलवट में पीस करके आते हैं, पानी ले लेते हैं। तो खाना हमारा बन गया है, भात, पत्ता गोभी, आलू का सब्जी और बादाम का चटनी। चलिए अब लगाते हैं थाली में। आकड़ा नहीं इसमें ना? नहीं। चारों घर खेल रही है, खेल रही है। शाम को खाना खाई है? खा ली है, इस चलते बस हो जाएगा। आई है सबसे, दूध भी नहीं मांगी। खाना नहीं खाएगी बेटी, खाना बैठो जगह उधर, नहीं जाओ डिस्ना में रही, बालू ले लेके तुम। मरचाई तुम लोग फेंकती है, दे देना आपको। तो खाना खा लिए, अब खाना है दवाई। देखिए ये चार गोली और ये चार गोली अभी लेकर आए हैं शाम को, काफी ज्यादा एकदम दर्द कर रहा है ना, तो इस चलते। तो चलिए अब दवाई खाते हैं। ऐसा काम है कि दवाई खा खा कर काम करना पड़ता है, कभी हम लोग ये सब काम नहीं किए हैं, तो पहली बार आया है तो काफी ज्यादा दर्द दे रहा है। पता नहीं जो पहले से काम करते आ रहे हैं उन लोगों को दर्द दे रहा है कि नहीं, नहीं जान सकते हैं। हम अपना दवाई खा लिए और चारू पापा खाएंगे। चारू के लिए भी दवाई था, ये देखिए खोखी का, तो आधा खत्म कर दी पी के, और उसको पूरी तरह से खोख रही थी और उस गले में पूरी तरह से खराश हो गया था एकदम, वो बोलने भी नहीं पा रही थी, तो उस टाइम दवा ले दी थी, तो खाई है तो भी ठीक है, पूरी तरह से बात उत करती है तो अच्छा आवाज आ रहा है, नहीं तो पहले एकदम पूरी तरह से उसका गला में पूरी तरह एकदम घाघा बैठ गया था। तो चलिए ज्यादा लंबा व्लॉग को नहीं करेंगे, इतने ही तक करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और खुशखबरी जो बात है वो आप सभी को मंगलवार का दिन बताएंगे, तो बाय बाय, गुड नाइट। चारू आ गए, बाय बाय बोल दो, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, मिलेंगे, मिलेंगे। तुम्हारा गाँव? अच्छा। तुम्हारा नाम? अल्दी। नाम बताओ? बता नाम जल्दी। नखो 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 नहीं।